YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने महागठबंधन प्रत्याशी घूरन राम को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को पलामू जिला डाल्टनगंज में प्रेस वार्ता कर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि मंडल कमीशन के अनुसार ओबीसी वर्ग को 27% वाजिब आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सत्ताधारी दल द्वारा इस बात की अहमियत को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में ओबीसी को मात्र 14% आरक्षण ही दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने आने वाले वर्ष 2021 में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करते हुए पिछले एक दशक से कथित नियुक्ति घोटाला के निष्पक्ष जांच की मांग भी की, और इसलिए हम लोग ये राष्ट्रीय जनता दल ने इसे सहमति दिया है। हम इनका पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। हम पूरे अपने लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि भारी मतों से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी माननीय घूरन राम को जिताएं।